हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू वीडियो पर। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हमें कौन सा क्यूब बंडल लेना चाहिए और क्या क्या न्यू आए गए और न्यू जितने भी इवेंट्स आए हैं मैं सबके बारे में बताऊंगा। तो अभी मेरे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो जाके प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप सारी नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाएगी मेरी हर वीडियो की। ये मेरे भाई का आईडी है, ये चैनल पे वंडरफुल वीडियो आते रहते हैं, तो प्लीज़ इसे भी कमेंट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इंट्रो के बाद। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ, तो अगर आप लोग अभी तक जाके नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो ये मैं वीडियो पे बताऊंगा कि हमें जैक कैरेक्टर कैसे मिलेगा, जो हमारा न्यू कैरेक्टर जैक कैसे मिलेगा। तो फिर यहाँ आना है, यहाँ पे मिशन है, आपको यहाँ पे मिशन करना है, यहाँ पे डेली मिशन आएगा, फिर डेली मिशन कीजिए, फल पढ़ के क्लेम कर लीजिए। देखिए मैंने क्लेम किया तो मुझे बेजेस मिल गया टाइप का। और फिर यहाँ पे आके आप कि यहाँ पे अगर आप एक्सचेंज कर सकते हैं, यहाँ सबसे होती अगर आपको 30 हो जाएगा तो आप यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं। ये हमारा 13 तारीख को स्टार्ट होगा, 13 तारीख को ये स्टार्ट हो जाएगा हमारा इवेंट। लेकिन स्टार्ट अभी से हो गया, लेकिन 13 तारीख को हम लोग खेल सकते हैं। अभी टाइम हम लोग का कलेक्ट करना टाइम है, जल्दी जल्दी आके कलेक्ट कर लीजिए, जिससे आप जो कैरेक्टर बिल्कुल ही फ्री में ले सकते हैं। और ये हमारा न्यू इवेंट देख सकते हैं, कॉल बैक इवेंट जो पहले भी आई थी एक बार और इस बार भी आई है। तो बस कुछ नहीं करना है, अगर आप एक आदमी को कॉल बैक कर देंगे फ्रेंड को तो पैरासूट की परमानेंट मिल जाएगी, पैरासूट की स्कीम परमानेंट और देख सकते हैं। और फिर अगर 3 लोग को करेंगे तो आप ये गन कार्ड मिलेगी, और ये 5 लोग को करेंगे तो फिर गन कार्ड मिलेगी, और अगर ये 7 लोग को कर देंगे तो फिर परमानेंट एक बंडल मिल जाएगी, जो हमारी लड़की की बंडल आई है ये बंडल फिर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। तो अब चलते हैं अपने अगले इवेंट के और देख सकते हैं यहाँ पर कैरेम करना होता है। और ये देख सकते हैं न्यू इवेंट है जो मनी बैग के टाइप का आया है इवेंट, तो यहाँ पर फिर सिंपली उसी तक क्लेम करना है, फिर मिशन 5 करके उसे खेलना है, या फिर उसी तक क्लेम कर लेना है। अगर आप क्लेम कर सकेंगे तो आप फिर देख सकते हैं यहाँ पर मिशन सब है यहाँ पर उसके ऊपर। तो मेरा हो चुका है आज तक, तो मैं देखा देता हूँ कि एक्सचेंज कर सकते हैं। देखिए एक्सचेंज में या फिर एक बिल्ली की मतलब जो पेट किटी है किटी की या फिर ये स्कीम मिलेगी और एक पैरासूट की स्कीम, बस इसमें 2-3 मिलने वाली है, मुझे ज़्यादा खास नहीं लगा कि ठीक ही है। चलिए मैं इवेंट का मैं बता देता हूँ कि जो आया था हमारे इवेंट 3 दिन पहले ही, तो मैं अगले वीडियो में इसके बारे में बात कर दिया हूँ, बता चुका हूँ। अगर फिर नहीं पता तो या आप हमारी अगले वीडियो देख सकते हैं, उसमें हल्का सा जानकारी दे दूँगा। तो देख सकते हैं ये इवेंट में मैं गया कलेक्शन में अपना वी बोर्ड, तो यहाँ पे स्कार की स्कीम मिल सकती है, या फिर परमानेंट टैग आप चाहिए तो यहाँ पे ले लीजिए, मिल तो टेम्पोरी मिली है। अब चलिए अपने चलते हैं सब अवे चीज के ऊपर, वो अपना है ये क्यूब बंडल। तो क्यूब बंडल में से कौन सा अच्छा रहेगा हम सब के लिए, कि सब जानते हैं कि क्यूब हम लोग को फ्री में मिला था इस बार, तो एनिवर्सरी के टाइम हम सबको क्यूब मिला है, सब लेना चाहते हैं। तो कौन सा ले क्या नहीं ले, या कौन सा अच्छा लगा ये ले या वो ले, देखते थी सारी बंडल एक से कहा है। तो मैं आपका भाई है ना, यहाँ आपका भाई बताएगा आपको। तो देख सकते हैं पहला बंडल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हेड देखिए अच्छा ही है, कोई खास ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ही ठाक है। ये बंडल मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, मैं इसे लूँगा नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी टाइप की, कुछ खास बंडल में कुछ है नहीं, देख सकते सिंपल सा ही है, मुझे कुछ उसमें अच्छा तो नहीं लगा। अगर आपको लगा तो आप जाकर ले सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ खास नहीं लगा कि मैं इस पर क्यूब वेस्ट करूं। तो अब चलिए मैं देखते हैं खास नहीं है, अपने अगले पे चलते हैं। ये अपना अगला बंडल है, ये अपना अगला बंडल जो आया था इधर
कुछ दिन पहले ही अपना यूट्यूब बंडल में आया है, तो ये इसका मुझे कुछ खास तो अच्छा लगता नहीं है, बस मुझे इसका ऊपर का अच्छा लगता है। जैसे तो ऊपर का मुझे कुछ अच्छा लगता है, मुझे हेड बहुत ख़राब दिख सकता है, कितनी बड़ी हेड लगती है इसकी, हेड थोड़ी सी बड़ी है तो मुझे अच्छी नहीं लगती ये बंडल, कोई तो खास नहीं है ये बंडल, देख सकते हैं खास बंडल तो मुझे भी नहीं लगा रही है। अगर फिर लगा भी हो तो कमेंट में लिखिएगा कि आप अच्छी लगे हुई सब बंडल मुझे, तो ये अपनी जो बनी वाली जो बंडल है कुछ खास नहीं है, ये भी बंडल कुछ खास नहीं है, ये थोड़ी सी ठीक ठाक ही है लेकिन खास ये थोड़ी ठीक है, आप ज़्यादा से ले सकते हैं, मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है बंडल क्योंकि बहुत पुरानी हो चुके हैं, तो ये सब बंडल बहुत पहले से नहीं सकते, ये अपनी बंडल भी सिंपल सा ही यार, ये मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है बंडल, लेकिन आप फिर आप जो पसंद आए पूछ सकते हैं। और ये इसका मुझे इसका हेयर बहुत अच्छा लगता है, देख सकते हैं हेयर और मास्क कितनी अच्छी इसकी है, और ये भी कोई थोड़ी ठीक ठाक मंडल कह सकते हैं, ठीक ठाक थोड़ी सी ठीक ठाक मंडल है, देख सकते हैं मुझे थोड़ी अच्छी भी लग रही है, लेकिन ये बंडल मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रहा, इसका बंडल देखिए पूरा सिंपल है भाई, पूरा सिंपल कुछ है ही नहीं भाई, अच्छा सा सिंपल सा ही बंडल लग रहा है भाई मुझे उसका, और मास्क कोई अच्छा नहीं है, ये बंडल तो अपना बहुत पुराना बहुत टाइम से ये बंडल है यार, ये बंडल देख देख के तो मेरे दिमाग ख़राब हो गया भाई, बहुत ख़राब लगता है भाई ये बंडल, कुछ ज़्यादा सही बंडल नहीं है, ठीक ठाक टाइप का कहते हैं ना वही है ये सब बंडल, अब तक अपनी कुछ खास बंडल अभी तो आई नहीं है, तो आई होप कि न्यू बंडल जल्दी आ जाएगी, कमेंट में लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये बंडल सब आप कौन सा बंडल निकालने वाले हैं, और मुझे भी बताइएगा कि मैं इसे कौन सा बंडल निकालना चाहूँ, तो मैं बता दूँ कि इसमें से आप बंडल नहीं ले लीजिए, आप कुछ महीना रुक जाइए, एक दो महीने अगर आप रुक जाएंगे तो जब न्यू बंडल आएगी, हो सकता है आर्टिक ब्लू बंडल आ जाए तो आप वो बंडल निकाल लीजिएगा, मैं तो इसमें तो कोई भी बंडल नहीं लेने वाला, कि सब पुराना बंडल है,